हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 2022 में यानी कि इस साल यहाँ पर 10th पास हुए हैं। जो वैसे जो भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अभी यहाँ पर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम हायर स्टडी के लिए 12th में यानी कि इंटर में यानी कि 11th क्लास बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट में अगर उनको एडमिशन लेना है, उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं कम्प्लीट यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ रांची वुमेंस कॉलेज के बारे में कि यहाँ पर आप इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कम्प्लीट डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल टच एग्ज़ाम में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल टच एग्ज़ाम का उसको भी जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट और यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका आए तो उससे सबसे पहले आपको अपडेट आपके फ़ोन पर मिल जाए। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो रांची वुमेंस कॉलेज के लिए बात करने वाले हैं जो कि रांची में सिचुएटेड है और काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के लिए तो ये सेकेंड नंबर पर इनका रैंक आता है यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये रांची में गर्ल्स के लिए सेकंड बेस्ट कॉलेज है। फर्स्ट आपका उरुसलाइन कॉलेज है, उरुसलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज, और सेकंड में आपका रांची वुमेंस कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत कम फीस में आपका यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर क्लासेस का भी इंतजाम किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, पिछले बार भी बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना एडमिशन लिया और सक्सेसफुली वो यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो रांची वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, चाहे वो जैक बोर्ड से पास आउट हैं, चाहे वो सीबीएसई से हैं या फिर कोई भी अदर स्टेट बोर्ड से पास हैं, अदर स्टेट के कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो सिर्फ गर्ल्स यहां पर सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं, तो बॉयज यहां पर एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि नहीं होगा, बॉयज लोग के लिए ये कॉलेज नहीं है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा रांची वुमेंस कॉलेज। यहां पर हम बात करते हैं यूजी का, तो यहां पर यूजी भी होता है, पीजी भी होता है और पीएचडी भी होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ इंटरमीडिएट का जो कि आप 10th के बाद यहाँ पर अपना एडमिशन को ले सकते हैं। वैसे मेनली बात किया जाए जैक बोर्ड का, तो जैक का यहाँ पर साइंस का रिजल्ट आ चुका है, उसके साथ साथ यहाँ पर कॉमर्स का भी और आर्ट्स का भी, तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट यहाँ पर जैक का आ चुका है। सीबीएसई का रिजल्ट थोड़ा सा डिले है, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी डेट यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा और बाद में भी आप अपने सीबीएसई वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए क्या क्या है, कुछ प्रोसेस है, आप यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को पहले देख लीजिए उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले रांची वुमेंस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जिनका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखें, या तो फिर गूगल में जाकर आप यहाँ पर सर्च करेंगे कोई भी वेब ब्राउजर में रांची वुमेंस कॉलेज, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुलकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये स्टूडेंट सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिस बोर्ड का, उसके बाद नोटिस बोर्ड के सामने ही सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, एडमिशन लिंक, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल का जो यहाँ पर बात की जा रही है वो 29 जून 2022 से स्टार्ट कर दिया गया है, आज आपका यहाँ पर 6 जुलाई है, सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पर वीडियो हम टाइम पर नहीं बना पाए, कुछ पर्सनल मैटर होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये स्टूडेंट वीडियो टाइम पर नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अभी यहाँ पर डेट और भी बढ़ेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं भर पाए हैं वो जल्दी जल्दी जाकर अभी फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, तो 29 जून यहाँ पर आपका स्टार्टिंग डेट था और यहाँ पर 10 जुलाई 2022 यहाँ पर आपका डेट है, यानी कि अभी भी बात करें तो 5 डेज यहाँ पर आपके पास टाइम है भरने के लिए, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका यहाँ पर आधा घंटा टाइम देंगे तो आप अपना फॉर्म को ईजिली तरीके से भर पाएंगे। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो है एडमिशन फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है स्टूडेंट, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इंटरमीडिएट सेक्शन आपका यहाँ पर खुलकर आ चुका है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट वो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट सेक्शन 2021 ही है, बट इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर भर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस जो ईमेल आई डी दिया हुआ है रांची वुमेंस कॉलेज rwcinter2022@gmail.com आज इस पर यहाँ पर मेल कर सकते हैं या फिर इनके टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर जुड़ी हुए, अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे सभी को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल या पास्ट कैंडिडेट इन क्लास 10 या मैट्रिकुलेशन फ्रॉम जैक, सीबीएसई या आईसीएसई या अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन,
फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट साइंस कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पर तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए फॉर सेशन 2022 to 2024, यानी कि 2022 से 2024 के सेशन के लिए। ठीक है, आपका जो सेशन होगा स्टूडेंट वो 2 साल का होता है, इसीलिए आप अगर 2022 में एडमिशन लेते हैं तो 2023 और फिर 2024 आपका 2 साल का यहाँ पर सेशन है, इसलिए 22 से 24 आपका सेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस पर भी बात नहीं करेंगे, फी स्ट्रक्चर के लिए अलग से मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। डी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में लिखा है डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ अप्लीकेशन, आपका जो स्टार्ट हुआ है डी स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं 29 जून 2022 से। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं डी स्टूडेंट लास्ट डेट का, तो लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन का है वो 10 जुलाई 2022 रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 10 जुलाई 2022 तक यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद एक दिन के बाद यानी कि 12 जुलाई को यहां पर डिस्प्ले होगा आपका सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि जो भी स्टूडेंट यहां पर अभी अप्लाई करेंगे उनका यहां पर जो मेरिट लिस्ट होगा, यानी कि जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हो जाएंगे उन सभी का यहां पर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा 12 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर मेरिट लिस्ट आएगा डी स्टूडेंट वेबसाइट पे, मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगा कि कैसे यहां पर एडमिशन ले रहा है और किन सभी स्टूडेंट का नाम है, आप कैसे अपना नाम को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है देख लीजिए डेट ऑफ एडमिशन फॉर फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट का 12 जुलाई 2022 को यहाँ पर मेरिट लिस्ट यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा, वो कैंडिडेट यहाँ पर अपना 12 जुलाई 2022 से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसा अपडेट रहेगा कॉलेज की तरफ से, मैं यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। बट यहाँ पर एडमिशन जो होगा डी स्टूडेंट वो मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया जब से कोविड हुआ, यानी कि 2020 से। ठीक है, बाद में आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कॉलेज कैंपस में जाकर, अभी यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म दे देंगे वो आपको कंप्लीट यहाँ पर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डी स्टूडेंट तो कंप्लीट वीडियो वहाँ पर मैं बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी मत पैनिक होइए, अभी आप अप्लाई करिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है कि अगर आपको पेमेंट में दिक्कत होता है, यानी कि आप फी पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट कट जाता है और फिर आपका पैसा जो है वहाँ पर पेड नहीं दिखाता है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर जो है मेल आईडी दिया हुआ है rachiinter2022@gmail.com, आप इस पर स्क्रीनशॉट और अपना पेमेंट का डिटेल को वहाँ पर शेयर करेंगे और फिर वो वहाँ से कंप्लीट जो आपका सॉल्यूशन है वो वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, वैसे पेमेंट फंसना नहीं चाहिए, इंटरनेट अच्छा हो उसी टाइम आप अप्लाई करिएगा, अपने फ़ोन से भी चाहे तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इजीली भर सकते हैं अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो, नहीं तो आप अगर लोकल साइबर कैफे पर जाकर अपना फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, एक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, यानी कि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो आपका ऑप्शन है आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पेज आपका खुलकर आ जाएगा, आप अच्छे व्यू के लिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर अच्छा तरीका से अपना फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी ब्राउजर का यूज़ करेंगे डजेंट मैटर, आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन अप करना है सेशन ईयर 2022 to 2024, यहाँ पर साइन अप के लिए कुछ डिटेल मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना है तो कोर्स में आप इंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कैटेगरी जो भी होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल वालों के लिए फ़ी की बात करें तो 500 यहाँ पर फी पे करना है, वहीं ST SC OBC को यहाँ पर 400 फी यहाँ पर पे करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो जनरल के लिए 500 और ST OBC के लिए यहाँ पर 400 फी यहाँ पर पे करना है। ठीक है, देख लीजिएगा, वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पर अपना नेम को फिलअप कर लीजिएगा, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना है, तो क्या बोल रहे हैं आफ्टर पेमेंट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेंड टू योर ईमेल आईडी, जब आप पेमेंट कर देंगे तो जो भी आप यूज़र आईडी यहाँ पर देंगे डियर स्टूडेंट वो ईमेल आईडी पे आपका आईडी यानी कि जो भी आईडी होगा लॉगिन करने का और पासवर्ड होगा वो आपको आपके ईमेल आईडी पे दे दिया जाएगा, जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, तो वैसे ही ईमेल आईडी को फिल करिएगा जो आप एक्सेस कर पाएँ और एक्टिव हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर अपना जाकर मंथ को भी चूज़ कर सकते, ईयर को भी चूज़ कर सकते ईजी तरीका से। ठीक है, अपना आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा अपने तरीका से, और यहाँ पर फी में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर चेंज हो जाएगा, जैसे कि अभी OBC सेलेक्ट है स्टूडेंट तो 500 फी लग रहा है, अगर हम यहाँ पर OBC की जगह ST कर देते हैं या फिर हम
एससी कर देते डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर आपका फ़ी जो है 400 खुद ब खुद, वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाया गया है ताकि आप यहाँ पर इजी तरीका से कर पाओ। उसके बाद कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद सबमिट एंड पे पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड पे पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी दिए हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी दिए उस पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड को सेंड कर दिया जाएगा, जिसकी लेकर आप यहाँ पर अपने आप को लॉगिन कर पाएंगे और अपना फॉर्म को बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल को फिलअप करके, फोटो वोटो अपलोड करके आप अपना फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पर सबमिट एंड पे करने के बाद आपका ईमेल आईडी पे आपका आईडी पासवर्ड आएगा। आईडी पासवर्ड आने के बाद क्या करेगा, फिर आप यहाँ पर आइएगा और स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, मोबाइल नंबर जो डाले थे वो यहाँ पर फिलअप करिएगा जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड जो आपका ईमेल आईडी पे मिला होगा वो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर साइन इन मी पे क्लिक करेंगे, साइन मी इन, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आईडी खुलकर आ जाएगा। आईडी खुलने के बाद वहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट में पर्सनल डिटेल जैसे मदर, फादर नेम, डेट ऑफ ये बर्थ कंप्लीट, आपका एड्रेस क्या है वो, उसके बाद एकेडमिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल में मतलब 10th में आप कितना परसेंटेज मार्क्स लाए वो सब डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट आपको 12th में यानी कि 11th क्लास में लेना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी लेना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना चूज कर लेंगे और अपना फॉर्म को भर लेंगे। इसके अलावा कंप्लीट मैं चीज़ों को यहाँ पर बता चुका हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है इसके लिए सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट भी है इसके लिए भी सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम पे वीडियो मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट होगा मैं आपको तुरंत दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है डियर स्टूडेंट, आप जाकर वहाँ पर टच एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो भी अपडेट होगा मैं वहाँ पर आपको तुरंत देते रहता हूँ, वीडियो में थोड़ा लेट होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जानकारी था, अपना फॉर्म को जल्दी जल्दी से भर दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और कम्प्लीटली आप यहाँ पर अपना एडमिशन को ले पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है रांची में या रांची वुमेंस कॉलेज में, वो अपना एडमिशन फाइनली यहाँ पर ले पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।